So, good morning, class. Today I am going to discuss about this molecular orbital theory which was given by F. Hund and R. S. Mulliken in 1932. So, first of all, we will discuss about the important points, salient features ke lije, important points ke lije of the theory. And the first important point is the electrons in a molecule are present in the various molecular orbitals as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals. Pehla point ye hai ki whenever atoms combined with each other, then molecules are formed. So when we deal about the atom, then we deal about the atomic orbitals. But when we talk about the molecule, then that atomic orbital term we are not going to be used no longer. We use molecular orbital term for the orbitals in a molecule. What does it mean? It means that when two or more than two atoms are combined with each other and a molecule is formed, then this will occur in atomic orbitals. And after the combination, yeah, you can say after the sharing of electrons or donation or acceptance of the electron, when atoms converted into molecule, then the atomic orbitals ki jagah jo hum term use karenge, that is molecular orbital hum term use karenge. So electrons in a molecule are present in various molecular orbitals as the electron of atoms are present in the various atomic orbitals. Jab humare atomic orbitals combined hote hain एक दूसरे के साथ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस रखते हैं। आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो पार्ट मैंने आपको बताए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से भी कम होती है। मतलब व्हेन टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देन द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन दोज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो एटम है उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो आपका जो मॉलिक्यूल बना उसके बाद, तो उसकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो उसमें बने उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम थी। इसका मतलब मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दूसरे तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते कैसे हैं? बॉन्डिंग जो बनते हैं वो जब वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सेम फेज में होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सेम फेज में नहीं होते। सेकंड पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बिल्कुल बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा। ये पॉइंट तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा है कि अगर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी एनर्जीज में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा एनर्जीज में और उनकी सिमेट्री में तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पॉइंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिस मोमेंट पर हमने डिस्कशन किया था कि जब एक एटम बॉन्ड बनाता है तो एटम में दो तरह की फोर्सेज होती है, एक फोर्स वो जो उसके खुद के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है, और एक फोर्स वो जो उसके खुद के न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में और खुद के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में अप्लाई हो रही। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तब जाकर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। आप देखिए
जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो मोनोसेंट्रिक होता है, बिल्कुल मोनोसेंट्रिक मतलब सिंगल सेंटर है उसका, क्योंकि एटम के पास तो अपना एक न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन व्हेन एटम कंबाइंस विद अदर एटम्स एंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो जो आपका मॉलिक्यूल है दैट बिकम्स पॉलीसेंट्रिक, तो वो पॉलीसेंट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हाइल अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को हम बॉन्डिंग कहते हैं, एक को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। इसका मतलब जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक पॉइंट और आता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो जो दोनों के दोनों ऑर्बिटल सेम पेस में होते हैं, जैसे कि आप वेव्स पढ़ते हैं, अगर दोनों के कंप्रेशंस और दोनों के डिप्रेशंस एक साथ लाई कर रहे हैं तो वो आसानी से जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कंसेक्यूटिव वे में चलती हैं। लेकिन अगर दोनों के फेजेस में डिफरेंस है, एक का कंप्रेशन है दूसरे का डिप्रेशन है, तो वो सेम फेज में नहीं होती। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जो कि बॉन्डिंग वाले, तो उनमें उनकी एनर्जी और भी कम हो जाती है क्योंकि वो सेम पेस में आ जाती है। लेकिन जिसमें वो एंटी बॉन्डिंग बना रहा है उस केस में उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो सेम पेस में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था आपका अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा न्यूक्लियस जो है वो एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ। मतलब क्या है इसका, सीधा सा मतलब ये समझिए कि एटम था, एटम में एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो डिफरेंट है, जबकि जो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होगा दैट इज समवॉट डिफरेंट इन कंपैरिजन टू एटम। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबो प्रिंसिपल ओबेइंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुज रूल। अब ये तीनों चीजें क्या है, अबो प्रिंसिपल क्या है, अबो प्रिंसिपल इज द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, कि जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो फिल होंगे, मतलब लोअर द एनर्जी जिसकी एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी दैट वी हैव टू फिल फर्स्ट, एंड हायर एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा दैट वी हैव टू फिल आफ्टर दैट। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं उनमें अगर एक ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो एक ही ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों और इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट होगा क्वांटम नंबर्स का दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजिबिथुल क्वांटम नंबर सेम है तो आपका स्पिन डिफरेंट हो जाएगा, वो सेम नहीं हो सकती। एंड वॉट इज हुंड्स रूल, हुंड्स रूल क्या कहता है ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल कहता है इफ अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी देन वी फर्स्ट अकोमोडेट देम अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट वी विल डू द पेयरिंग, पहले हम उन ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी सेम है उनको पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके बाद हम उनकी पेयरिंग करेंगे। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन जो हमारे थे वो इस थ्योरी के आने के बाद सॉर्ट आउट हुए हैं, दूर हुए हैं। अब आप यहाँ देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा स्टार। सिग्मा इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी जो है आपकी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है, एंड दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग जिस पर स्टार लगाया है, ये देखिए सेम पेस में नहीं है एंड दीज आर इन सेम पेस एंड दैट इज द रीजन। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा से बने हैं वो एडिशन बने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का, सीधा सीधा एडिशन हुआ है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में जो है वो सब्सट्रैक्शन हुआ। मैं एक चीज और आपको शो करना चाहती हूँ, दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट दीज,
ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जहां मेरा कर्सर आपको अभी दिख रहा है, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। जब इन दोनों का सिंपल एडिशन है तो इट फॉर्म्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड व्हेन जब सब्स्ट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। अब आप देख सकते हैं इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर थी, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इनसे भी कम है और एंटी बॉन्डिंग की इनसे ज्यादा है। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अ नंबर ऑफ डाउट्स व्हिच विल रिमेन आफ्टर वीएसईपीआर थ्योरी एंड वीबीटी थ्योरी। उसके बाद के कुछ डाउट्स हम इससे भी क्लियर करते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।